एक ओर दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को लंदन तक में बताया जा रहा है, दूसरी ओर दिल्ली के स्कूली बच्चे बॉटम थर्ड में आते हैं बेसिक न्यूमेरेसी स्किल्स में। यह टेस्ट एनसीईआरटी कंडक्ट कराता है और पूरे देश में से 10,000 स्कूल्स के 86,000 बच्चों पर यह टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जिसमें दिल्ली के लगभग 3,000 बच्चों पर यह टेस्ट किया गया और पाया गया कि देश के सभी राज्यों और यूटीओ के कंपैरिजन में दिल्ली सबसे पीछे है। दिल्ली के 66% स्कूल्स में 11वीं-12वीं में मैथ्स और साइंस नहीं पढ़ाई जाती, जिसका एक कारण है कि इन सब्जेक्ट्स के लिए लैब लगती है और लैब बनाए कौन। प्रिंसिपल कहती है कि बच्चों के इतने नंबर ही नहीं आते तो वो साइंस ले ही नहीं पाते। 500 नए स्कूल्स बनाने का वादा करके ये सरकार आई थी और आरटीआई बताती है कि 63 नए स्कूल्स बनाए गए हैं मात्र। सीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि मात्र 4,027 कमरे बनाए गए हैं एग्जिस्टिंग स्कूल्स में और उसमें भी घपला है। 42% बच्चे जो 9वीं के एग्जाम्स देते हैं वो 10वीं तक नहीं पहुंच पाते, पर क्लेम्स हैं दिल्ली में एजुकेशन मॉडल को चेंज कर दिया गया है।